अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी किया करें। आज है संडे, अभी बस मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, तो मैंने कहा ये वाली क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। संडे का दिन भी ना वैसे भी बहुत ही बिजी डे होता है, क्योंकि जो पूरे हफ्ते के फालतू काम है ना वो संडे वाले दिन होने होते हैं। तो नाश्ता बना के देने के बाद ना मुझे अम्मी की तरफ भी जाना था, इसलिए मैं बस कह रही थी मैं जब पहले जो है ना नाश्ते वाला काम ख़त्म करूँ। क्लीनिंग मैं नाश्ते से पहले ही आज कम्प्लीट कर ली थी। मम्मी की तरफ गई थी फिर थोड़ी देर के लिए, और ये जो जर्निश है ना, इसने अपने ना पिछले साल के कपड़े पहने हुए हैं जब वो बिल्कुल छोटी सी थी, और उसको जो है ना बड़े तंग हो गए हैं ये। आज फातिमा इधर झूले पे झूला ले रही थी, बस उधर ही थोड़ी देर बैठी थी, और फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर। और बच्चे बोल रहे थे कि फ़्राइज़ बना के दें हमें दोपहर में, तो मैंने कहा मैं जिंगर फ्राइज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी इसकी रेसिपीज़ देखी हैं जिंगर फ्राइज़ की। तो मैंने कहा ये वाली जो है ना मैं ट्राई करती हूँ रेसिपी आज, तो देखते हैं कैसी बनती हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, इनको मैं छील लूँगी और उसके बाद मैं इनको फ्राइज़ की शेप में कट कर लूँगी। आलूओं को कट करने के बाद मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया ताकि इनकी जो स्टार्च वगैरह ना वो निकल जाए। और साथ ही मैंने लिया है 1 कप मैदा, और अब 1 कप मैदे में मैं मसाले वगैरह शामिल करूँगी और इसकी ना हम लई सी बना लेंगे। मैदे में शामिल करूंगी मैं थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल चुटकी सा, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा तंदूरी मसाला। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा करना है स्पाइसी इसको तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने दरार मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं नमक डालूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी बेकिंग सोडा, और एंड पे थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च। और इस सारे मिक्सचर को ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी हम थिक सी लई सी बना लेंगे। जो आलू हमने फ्राइज़ की शेप में कट कर किए थे ना, उसमें से सारा पानी मैं ड्रेन कर लूँगी, और उसमें जो लई बनाई है ना उसको डाल दूँगी। लई को मैंने थोड़ा थिक ही रखा था, मैंने कहा जो आलू है ना वो भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं, तो उसमें ये जो है ना थोड़ी हुद्दी पतली हो जाएगी। और अच्छी तरह से इस सारे मिक्सचर को ना हम आलू के साथ कोट कर लेंगे। और शेल्फ़ पर इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना कोई भी इस तरह की मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो ये सारी चींटें उड़ उड़ के ना, अभी मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नज़र आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा मैस हो गया हुआ था। बाद में मैंने मैस सारा साफ़ किया, और अभी जो है ना मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, खुश्क मैदा जो होता है, और उसमें जो है ना इस जो ये जो फ्राइज़ कट की हुई है ना हमने, इनको अच्छी तरह से हम डाल के ना तो इनके क्रम्स वगैरह बनाएंगे मसल मसल के। तो पहले बैच में तो खैर इतने अच्छे क्रम्स नहीं बने थे, लेकिन दूसरा जो मैंने बैच बनाया ना उसमें अच्छे खासे क्रम्स बन गए थे।
दूसरा बैच जो है ना उसके मैंने क्रम्स पर बना के रखे हुए थे, तो उनको अब फ्राई कर लूँगी। और पहले बैच के ना नहीं थे सही बने, दूसरा बैच लेकिन परफेक्ट क्रम्स वाला बना था, जो फिंगर फ्राइज होते हैं ना जिनको बोलते हैं, वो दूसरे बैच में ही बनी थी, पहले बैच में नहीं बनी थी। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज बनी थी, बहुत मज़े की, क्योंकि जो मैदा डाला हुआ था उसमें हमने वो डाली हुई थी, डाला हुआ था बेकिंग सोडा, तो उससे ना बहुत मज़े की जो है ना क्रिस्पी बनी थी फ्राइज में। और ये हमारी परफेक्ट जो फ्राइज़ है ना जिंगर फ्राइज क्रिस्प वाली, वो बन गई हैं, बहुत मज़े की बनी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर इनको बनाइएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने बनाई है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अब मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी ना तो इसी तरह की फ्राइज़ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो यही थी मेरी रेसिपी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।